हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी विभू मिश्रा टीचर। अब हम आपके आठवीं कक्षा के मैथ में प्रश्न संग्रह 1.3 का अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस नंबर 1.3, जिसमें दिया है परिमेय संख्याओं के दशमलव रूप, मतलब कि परिमेय संख्याओं को कैसे दशमलव रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसमें अवसानी दशमलव रूप और अनअवसानी दशमलव रूप क्या होते हैं, मतलब कि खंडित और अखंडित आवर्ती, उसे हम देखेंगे। तो हम चलिए प्रैक्टिस सेट 1.3 का पहला सवाल देखते हैं, जिसमें 9/37 दिया हुआ है। हमें पता है जहां पर 9 क्या होता है, अंश होता है, और 37 क्या होता है, हर, मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अंश में हर से भाग देंगे, यानी कि अंश और हर, ये क्या होता है, भाजक होता है। एक बार पुनरावृत्ति कर दें, पिछली कक्षा का याद दिला दें, ये भाज्य होता है। यहाँ पे जो उत्तर आता है, आंसर आता है, वो भागफल होता है। और अगर पूर्ण रूप से भाग विभाजित नहीं होता है तो यहाँ पे क्या बचता है, शेषफल। तो इस तरीके से होता है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको दशमलव रूप में दिखाना है। तो ये हम सवाल कैसे, ये केवल आपको याद दिलाने के लिए था कि पिछली कक्षा में हमने कैसे पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अंश में हर का भाग जब देंगे तो 9/37 तो हमें सबसे पहले क्या होगा, हमें 37 का पहाड़ा आना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए। तो हम देखेंगे, अगर टेबल हमें नहीं आता तो हम गुणा करके कैसे टेबल को ज्ञात करते हैं। किसी भी नंबर का, हमें बड़े से बड़ा नंबर है, अगर हमें पहाड़ा नहीं याद है तो हम गुणा करके क्या करते हैं, टेबल सीख सकते हैं। पहले हम देखेंगे 37 0 या 0, यहाँ पे क्या आ गया, 9। हम क्या करेंगे, अब 9 क्या है, 37 से छोटा है, तो यहाँ पे हम दशमलव लेकर जाएंगे और 0 आ जाएगा। ये 90 हो गया अब, और ये 37, अब ये क्या हो गया, 37 से बड़ा। तो हम देखेंगे कि 37 का टेबल, पहले 37 × 1 कितना आएगा, 37 आएगा, 37 × 2 कितना होगा, 7 × 2 = 74 आएगा, 37 × 3 कितना आएगा, 111, 37 × 4 बराबर 148, 148, 37 × 5 क्या होगा, 7 × 5 = 35, 185 हो जाएगा, 185। तो हम 5 तक की पहले देखते हैं, इसके बाद हम देखेंगे, अगर आगे जरूरत पड़ी तो हम आगे इसका मल्टीप्लिकेशन करते जाएंगे। इस तरीके से 37 × 1, 37 × 2, 37 × 3 हम गुणा करके क्या करते हैं, किसी भी नंबर का क्या करते हैं, हम पहाड़ा प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए 37 × 2 = 74, तो हम क्या करेंगे, 74 माइनस करेंगे यहाँ पे 90 में से, तो 10 में से 4 गया 6, और यहाँ पे 8 बचा, 8 में से 7 गया, सॉरी यहाँ, हाँ 8 में से 7 गया 1। अब यहाँ पे 16 हुआ, फिर 37 से छोटा, तो हम एक और 0 ले लेते हैं, तो 160 हो गया। अब हम देखते हैं 160 कितने में, 148, 185 जो है 160 से बड़ा हो जाता है, तो हम 148 लेंगे, 37 × 148 तो 148, 148 इसको फिर से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया 2, 5 में से 4 गया 1, और 1 में से गया 0, यानी क्रॉस। अब यहाँ पे 12 बचा जो 37 से छोटा है, तो हम पुनः क्या करेंगे, एक 0 ले लेंगे, अब ये 120 हो गया। अब हम देखेंगे 148 120 से बड़ा है, 111 120 से छोटा है, तो हम 37 × 111 लेंगे। यहाँ पे फिर से हम माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया 9, 1 में से 1 गया क्रॉस, 1 में से 1 गया क्रॉस, यानी 0। यहाँ पे 9 बचा, फिर हम 0 लेंगे, अब हम 0 ले लेंगे तो ये 90 हो गया। यहाँ पे देखिए, हमने 0 लिया था तो 9 से 90 किया था, तो हमें 2, 4, 3 प्राप्त हुआ, यानी कि फिर से हमें ये क्रम दोबारा मिलेगा। देखो क्या करेंगे, 37 × 2 क्या होगा, 74, फिर से हम जब घटाएंगे तो 16 मिलेगा, 0 लेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, 37 × 4 क्या करेंगे, 148, फिर घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12 प्राप्त होगा, मतलब कि 10 × 2 और 1 = 0 12 प्राप्त होगा। इसी तरीके से ये क्रम चलता जाएगा, यानी कि हमें यहाँ प्राप्त पता चल गया कि ये 9 आया है, 9 आया है तो ये क्रम
पुनरावृत्ति होती रहेगी। तो हम उत्तर लिखते समय हम क्या करेंगे, इसका आंसर लिखते समय, तो जब हम दशमलव रूप में 9/37 परिमेय संख्या को दशमलव में परिवर्तित किए तो यहाँ पे हमें क्या बोला, 0.243243243 ऐसे ही बढ़ता जाएगा, यानी कि 0.243... फिर हम उत्तर जब लिखें 0.243 का बार, ये क्या हो गया 0.23 का बार, मतलब अवसानी दशमलव रूप हो गया, यानी कि 243 की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है। ये हमारा क्या हो गया 9/37 का दशमलव रूप आंसर हो गया। इसी तरीके से हम दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर टू में दिया है 18/42। अब हमें 42 का पहाड़ आना चाहिए, हमें यहाँ पे क्या हो गया 42 क्या हो गया भाजक हो गया और 18 क्या हो गया भाज्य हो गया, 18 क्या हो गया भाज्य हो गया। अब हमारा ये भाग कितना बड़ा जाएगा, इसलिए हम टर्न कर लेते हैं इधर पेज पर। दूसरा सवाल 18/42, तो 18/42 यहाँ पे देखिए 42 का पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेबल लिख लेंगे, 42 कम 42 दूनी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 84, 42 × 3 = 6, 3 × 12, 42 × 4 = 16, 42 × 5 = 10, 4 × 5 = 21, 210, 42 × 6 = 12 और 1 हाथ में आए 4 × 6 = 24, 25, 252, 42 × 7 कितना आएगा 294, 42 × 8 कितना आएगा 336, 42 × 9 378, और हमें पता है 42 × 4 = 20, हमें इसका काम लगेगा नहीं लगेगा हम बाद में देखते हैं, हमने 10 तक क्या किया, 42 का टेबल अपनी साइड में लिख लिया, अब हमें भाग करने में आसानी हो जाएगी। अब हम देखेंगे कि 42 0 आएगा तो यहाँ पे 18 हो गया। अब यहाँ पे दशमलव लेंगे हम, अब दशमलव लेने के बाद क्या देखेंगे, 18 तो 42 से छोटा है तो यहाँ पे एक जीरो और ले लेंगे, दशमलव हमें जीरो, दशमलव से हम जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ पे 180 हो गया। आप देखेंगे 180 कितनी कौन से नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 42 का 168, इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया 2, 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे क्रॉस 12 आया, एक और जीरो लेंगे तो 120 है, और ये 42 है, देखेंगे 120 कहाँ पर आता है, ये 126 आता है, तो 42 × 84, इसको माइनस करेंगे तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 1 बचा, 11 में से 8 गया 3, 36 हो गया, 36 क्या है 42 से छोटा है तो फिर जीरो लेंगे। अब देखेंगे 360 कहाँ पर आता है, 378, यानी कि ये बड़ा है तो 336, 42 × 8 कितना हो गया 336, इसको माइनस करेंगे 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 और ये क्रॉस, तो 24 बचा, ये भी छोटा है तो फिर से जीरो लेंगे, 240 हो गया। यहाँ पे देखेंगे 240 कहाँ तक आता है, 252 210, यानी कि 252 बड़ा है तो 42 × 5 क्या लेंगे, 42 × 5 = 210, फिर से घटाएंगे, यहाँ पे जीरो आएगा, 4 में से 1 गया 3 और ये फिर से क्रॉस, 30 बचा, फिर से हम एक जीरो ले लेंगे जो 300 हो गया। आप देखेंगे 300 के आसपास क्या आता है, 336 है, यानी कि 294 जो 300 के पास है, तो 42 × 7 कितना आ गया 294, फिर 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे 9 में से 9 गया 0, 0 यानी क्रॉस क्रॉस, फिर 6 गया, यहाँ पे देखिए हमने किया था तो 6 आया था, तो हम क्या करेंगे तो 0 ले लेंगे, तो 42 7 हो गया, ये 60 है और यहाँ पे क्या है 42 से कम 42, तो 10 में से 2 गया 8 और यहाँ पे 5 में से 4 गया 1, 18,
देखिए हमने ये भाग 18 से शुरू किया था, स्टार्ट किया था, फिर से 18 आ गया, यानी कि इन नंबरों की हमें फिर से पुनरावृत्ति, ये नंबर जो भाग फल आए हुए हैं ये फिर से दोहराए जाएंगे। तो हम इस भाग को यहीं पर रोक देंगे और हम इसका उत्तर लिखते समय आंसर किसका दशमलव रूप, परिमेय संख्या 18/42 का दशमलव रूप क्या आया, 0.425857 मतलब यही नंबर बार बार आया है, तो हमें उत्तर मिला 0.425857 का बार, यानी कि ये संख्या बार बार आगे आती जाएगी। तो इस तरीके से हमारा ये दूसरा सवाल सॉल्व हो गया। अब हम तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे सवाल दिया हुआ है 9/14, जिसमें से हर क्या हो गया 14 और 9 हो गया अंश, यानी कि भाजक 14 हो गया और भाज्य 9 हो गया। अब हमें 14 का पहाड़ा आना चाहिए। हम बताया 14 का पहाड़ा आपको 2 से 20 तक पहाड़ा तो जुबानी याद होना चाहिए। तो हम एक बार 14 का पहाड़ा भी देख लेते हैं। 14 × 1=14, 14 × 2 = 28, 14 × 42, 14 × 4 = 56, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84, 14 × 7 कितना होता है 98 होना चाहिए, 4 × 7 = 28, 14 × 8 = 112, 14 × 9 = 126, 14 × 2 = 8। तो इतना हमने कर लिया ताकि हमें भाग करने में सुविधा हो। तो 0 यहाँ पे 0, यहाँ पे 9 हो गया, दशमलव लिए 90 हो गया। तो हम देखेंगे 90 के पास कौन सा है, 14 × 6 = 84, क्योंकि 98 90 से बड़ा हो जा रहा है। तो हम 6 बार लेकर जाएंगे भागफल 6, और यहाँ पे कितना लिखेंगे 84 माइनस करेंगे, तो 10 में से 4 गया 6 और ये कितना हो गया क्रॉस। अब यहाँ पे एक और 0 ले लेंगे, अब ये 60 हो गया, तो 60 देखेंगे 14 × 6 = 56, 56 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 0 4 हो गया, एक और 0 लेंगे 40, हम देखेंगे 40 3 बार ले जाएंगे तो 42 हो जा रहा है, तो हम 2 बार ही ले जाएंगे तो 28 हो गया, फिर से माइनस करेंगे तो 10 में से 8 गया, कितना बचा 2, और यहाँ पे 3 में से 2 गया 1, 12 हो गया, एक और 0 ले लेंगे, 120 हो गया। अब हम देखेंगे 120 के पास क्या है, 14 × 8 = 112, 14 × 9 = 126, तो 8 बार लेके जाएंगे और 112 लिखेंगे माइनस, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, अब 8 बार ले गए हैं तो फिर से 0 लिखेंगे, 80 आ गया, 80 किसके, 80 के पास कौन सा नंबर है, 84 हो गया, 70 × 14 = 75, 70, फिर माइनस करेंगे 0 1, फिर बचा एक और 0 ले लिया, 100 हो गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 14 × 7, 7 बार गया, ये पहाड़ा है हमारा, 14 × 7 = 98, फिर माइनस करेंगे तो 2 आया और यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्रॉस, फिर एक 0 लिया तो 20 हो गया, तो 14 × 1 = 14, आपको दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो 14 × 1 = 14 है। अब यहाँ पे माइनस करेंगे तो 20 में से 14 गया तो 6 बचेगा, फिर से क्रॉस, ये 6, एक और 0 लेंगे, ये 60 बन गया, 60 बन गया, यहाँ देखिए यहाँ पे हमें फिर 60 बना था और फिर से यही नंबर प्राप्त हुआ था, तो हम इसे यही छोड़ देंगे और हम यहाँ देखेंगे 60 प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से हम उत्तर लिखेंगे 9/14 = 0.642871, जहाँ से ... तो हम आंसर लिखेंगे 0.642871, 6 छोड़ने के बाद 4 से हम क्या करेंगे बार लिख देंगे, ये उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम तीसरा सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो आपको ये सवाल अब हम चौथा सवाल लिखेंगे। चौथा प्रॉब्लम क्या दिया हुआ है, -103/5, तो माइनस को बाद में देखते हैं, पहले हम 103/5, 103 में 5 का भाग देंगे, तो हम देखेंगे कैसे भाग देते हैं, 5 × 2 = 10 हो गया, 10 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसके सामने बचा 3, इसको नीचे उतार लिया। हम देखेंगे 5 में
पाँच तीन से बड़ा है यानी तीन छोटा है, तो लेकिन हमें भाग तो देना है और ऐसे छोटा होने के कारण भाग नहीं जाएगा, तो हम एक जीरो से भाग देंगे तो पाँच जीरो या जीरो माइनस करेंगे तो हमें तीन प्राप्त हुआ। यहाँ पे 20 हो गया। अभी भी वो उसकी स्थिति वैसी है तो हम क्या करेंगे, दशमलव लेंगे पॉइंट डेसिमल पॉइंट, तो यहाँ पे दशमलव देने के बाद हमें जीरो प्राप्त होगा, तो पाँच का 30 अब माइनस करेंगे तो शेषफल जीरो यानी कि कुछ नहीं बचेगा। तो यानी कि इसका आंसर हम लिखते समय लिखेंगे माइनस 103 अपॉन 5, इसका दशमलव रूप क्या हो गया 20.6, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लिखेंगे तो ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह हम पांचवा सवाल देखते हैं माइनस 11/13 मतलब 11/13। अब यहाँ पे 11/13 में हमें पहले 13 का पहाड़ा आना चाहिए, हमें 13-20 तक तो पहाड़ा आपको हर हाल में आना चाहिए, तो फिर भी हम एक बार दिखा लेते हैं 13 × 13 × 13 = 26, 13 × 3 = 39, 13 × 4 = 52, 13 × 5 = 65, 13 × 6 = 78, 13 × 7 = 91, 13 × 8 = 104, 13 × 9 = 117। पहले यहाँ तक हम देखते हैं, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 11/13, दशमलव को हम बाद में देखते हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे जीरो करेंगे, जी 13 माइनस करेंगे तो 11 आएगा। अब यहाँ पे हम जीरो लेते हैं, 110 हो गया, यहाँ पे देखेंगे 110 कहाँ है, 117 है 9 जार, जो कि 110 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे 8 जार लेंगे। क्यों जीरो लेंगे, पहले यहाँ पे डेसिमल लेंगे तब जीरो लेंगे, तो यहाँ पे डेसिमल लिया फिर जीरो लिया। अब यहाँ पे 9 जार 104, तो यहाँ पे 10 में से 4 माइनस करेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 4 यहाँ पे कितना बचेगा 6, यहाँ पे कुछ भी नहीं। फिर से एक और जीरो लेंगे, डेसिमल लिया इसके लिए हम जीरो ले सकते हैं, तो यहाँ 60 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे 60 के आसपास, ये 65 है, ये 52 है, तो हम 4 = 52 लेंगे, सब्सट्रैक्ट करेंगे, 10 - 2 = 8 बचेगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, फिर से 8 होगा, 13 से छोटा है तो फिर से जीरो लेंगे। अब ये जीरो देखते हैं, 80 हो गया, 80 किसके आसपास है 78, तो 6 = 78 फिर से माइनस करेंगे, 10 में से 8 माइनस करेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे भी क्रॉस होगा कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे ये 2 हो गया, अब ये फिर से छोटा है तो एक और जीरो ले लेंगे, ये 20 हो गया, तो 13 × 13 हो गया, फिर माइनस करेंगे तो 10 में से 3 गया 7, यहाँ पे फिर से क्रॉस कुछ नहीं बचा, ये 7 हो गया जो कि 13 से फिर से छोटा है, फिर से जीरो लेंगे, 70 हो गया, देखेंगे 70 के आसपास क्या है, 13 × 5 = 65, तो यहाँ पे फिर से माइनस करेंगे तो 5 आया, यहाँ पे क्रॉस कुछ नहीं क्योंकि यहाँ पे ये 6 है, 6 में से 6 जाएगा, क्रॉस कुछ नहीं बचेगा। अब यहाँ पे ये 5 है, और 5 देखेंगे फिर से तो जीरो लेंगे, 50 हो गया, 50 के आसपास क्या है, ये 52 हो गया, तो 3 = 39, फिर से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 9 गया 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या हो गया 4 में से 3 गया 1, 11 हो गया। देखिए हम ये प्रॉब्लम स्टार्ट करते हुए ही, सवाल के स्टार्ट में ही हमें 11 था, यानी कि फिर से यही नंबर हमें बार बार मिलेंगे, तो हम इसका आंसर लिखते समय क्या लिखेंगे, −11/30 = 0.946153 .. तो फिर क्या लिखेंगे 0.946153 बार दिखा देंगे, यानी कि इन संख्याओं को यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा था क्या, इस तरीके से हम यहाँ से सब्सट्रैक्ट करके यहाँ पे बार के तरीके से हम यहाँ बार दिखाकर नंबर लिखकर बार दिखाकर इसका आंसर लिख लेंगे।